राज्यसभा के सांसद मनोज झा जी हमारे साथ है। एक बार फिर आप लोगों ने आज जो है डिस्कशन मांगा हाउस के अंदर इंडो चाइना जो क्लैशेस हुए उसको लेकर, लेकिन डिस्कशन हुआ नहीं और आप लोगों ने वॉकआउट स्टेज किया है। अब भी आपकी मांग क्या है? देखिए, अभी भी मांग वही है, क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी, देश एक रहेगा। देश के एक बने रहने के लिए अपनी सेना को संबल ताकत देने के लिए आवश्यक है कि हमें कल क्लैरिफिकेशन पूछने की इजाजत मिलती, जो हमारे हाउस का एक प्रावधान है, एक परंपरा है। और अगर कल उसमें चेरी पिकिंग करके पीठासीन जो हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने चेरी पिकिंग कर ली, 62 क्यों नहीं याद किया जब हम युद्ध में थे चाइना के, और पंडित नेहरू जी ने कहा कि नहीं, इस पर पूरी बहस होगी। बहस हुई, तीखी बहस हुई, लेकिन पूरा सदन खड़ा रहा अपनी सेना के पक्ष में। अपनी सेना के पक्ष में हम सब हैं, लेकिन उन्हीं के हितों के लिए, देश हित के लिए यह आवश्यक है कि हमें क्लैरिफिकेशन पूछने की इजाजत मिलती। सरकार को किस बात का डर है? डिप्लोमेसी की फेलियर या ब्रेजेंट डिनाइल ऑफ डिप्लोमेसी का एक इंस्ट्रूमेंट बन जाए और सेना, दोनों को एक मत करिए। वो तो विपरीत परिस्थितियों में लड़ रहे हैं, कई दिक्कतों के बावजूद लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी डिप्लोमेसी कहां गई? कहां गई लाल आंखें? कहां गई वो सारे रेटरिक? आपने झूला झुलाया, कोई हर्ज नहीं, लेकिन अब तो कम से कम देश को झूला मत झूलने दीजिए। देश का मानस डोल रहा है, उनकी सुनिए। बहुत सारे आपके विपक्ष के नेता हैं, एमपीज हैं, वो कह रहे हैं कि एक बारी तो डिस्कशन करा लेते, एक बारी भी डिस्कशन नहीं करा। नहीं, देखिए, डिस्कशन या छोड़िए, क्लैरिफिकेशन। अभी पिछले हफ्ते जयशंकर जी ने एक बयान दिया फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, क्लैरिफिकेशन पूछा हम लोगों ने, आखिर क्या वजह थी। और मैं जानता हूं, माननीय रक्षा मंत्री जी को कोई गुरेज नहीं होता, मैं उनकी शख्सियत को जानता हूं। वो शायद एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने गलवान में जब हुआ तो सबसे पहले थ्रेट को एक्नॉलेज किया। यहां तो लोग ये जुमला बकते रहते थे, कहते रहते थे कि कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं। इस तरह से राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा के मसले हल नहीं किए जाते। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ट्रेड बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस ने तो यही बोला है। एग्जैक्टली, आप तो ट्रेड का जो क्वांटम देखिए उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा क्या किया। पहला सख्त कदम लिया भारत सरकार ने, टिकटॉक बैन कर दिया। वाह साहब वाह, ये है आपकी डिप्लोमेसी, बैन टिकटॉक, ऐसे नहीं चला करता। तो ये थे मनोज झा जी हमसे बात करते हुए। सुप्रिया भारद्वाज, आज तक दिल्ली।